क्वेश्चन है आपका। ए वेरिएबल सर्किल व्हिच ऑलवेज टचेस द लाइन एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो कॉमा कॉमा वन कट्स द सर्किल कट्स द सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो प्रूव दैट ऑल द कॉमन कॉर्ड्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑल द कॉमन कॉर्ड्स ऑफ द इंटरसेक्शन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ठीक है एंड फाइंड दैट पॉइंट। तो पहले एक सर्किल बनाते हैं, इस वाले सर्किल को बना लेते हैं। क्या करते हैं, इस वाले सर्किल को बना लिया हमने जो दी हुई है, और ये लाइन बना ली हमने जो दी हुई है लाइन। लेट्स दिस इज लाइन ठीक है। अब एक सर्किल हमको बनानी है जो कि इसको टच करती है पॉइंट वन वन पे और इसको इंटरसेक्ट करती है ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड सर्किल हमने बनाई है। ये पॉइंट वन कामा वन है, ये लाइन है आपकी एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो ठीक है। ओके अब क्या कह रहा है कि प्रूव दैट ऑल द कॉमन कॉर्ड्स ऑफ द इंटरसेक्शन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। ऑल द कॉमन कॉर्ड ऑफ द इंटरसेक्शन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। यस ठीक है। और ये क्या है, ये पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम एनी सर्किल व्हिच टचेस द लाइन उसका इक्वेशन बनाएंगे एट गिवन पॉइंट। सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल, इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल वी नो दैट दिस टचेस द लाइन एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो एट ए गिवन पॉइंट वन कॉमा वन इज एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो ठीक है। यस सर। नाउ लेट अस फाइंड आउट द कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस इक्वेशन। और उससे पहले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि कॉमन कॉर्ड के लिए हमको जी एक्स एफ वाई के टर्म में इक्वेशन चाहिए। yes. ये प्लस लैम्डा माइनस टू एक्स, यहाँ पे टू एक्स आ जाएगा ना, प्लस लैम्डा माइनस टू वाई प्लस टू माइनस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नाउ कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस सर्किल एंड गिवन सर्किल, ये है तो कैसे निकालते थे कॉमन कॉर्ड, दोनों को माइनस कर लेते थे एंड गिवन सर्किल विल बी, ये यहाँ पे 4x है तो 4 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा, लैम्डा माइनस 6x हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा, मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअली में इक्वेशन टू माइनस वन इक्वेशन वन हो जाएगा। तो लैम्डा सिक्स माइनस एक्स प्लस वाई वाले कोफिशिएंट में अगर देखें तो लैम्डा माइनस टू है, यहाँ पे माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो लैम्डा माइनस फाइव और सेवन वाई हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये टू प्लस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स टू एट हो जाएगा ये, प्लस एट माइनस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लें तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा के टर्म में, इसको अलग करते हुए लिख लें, ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस, सॉरी माइनस ही रहेगा वाई भी, सेवन है ना माइनस सेवन, माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन वाई प्लस एट प्लस लैम्डा, लैम्डा में क्या क्या बचेगा हमारे पास, लैम्डा कॉमन ले लें हम तो, ये एक्स बचेगा, वाई बचेगा, माइनस बचेगा, माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो ये तो क्या बन गया, ये बेटा बन गया आपका एल वन प्लस लैम्डा एल टू टाइप का बन गया, तो ये जो है एक्चुअली में फैमिली ऑफ लाइंस बन गई है, क्या बन गई ये, फैमिली ऑफ लाइंस, दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ लाइन मीन्स फैमिली ऑफ कॉर्ड्स, यही ना, फैमिली ऑफ कॉर्ड्स पासिंग पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये पता करना है कि जो फैमिली ऑफ कॉर्ड्स हैं वो किस पर्टिकुलर किस फिक्स पॉइंट से पास कर रही हैं, ठीक है, तो हमें इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। सो इस इन दोनों लाइंस का, ओ अच्छा यस, सो ऑन सॉल्विंग माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, ये आपका एल वन हो गया, एंड एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये आपकी एल टू हो गई, वी विल गेट, वी विल गेट कॉमन पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ इनके इंटरसेक्शन का, ठीक है, जिस पॉइंट से ये पास करेंगे, वी विल गेट क्या मिलेगा, पॉइंट सॉल्व करके देख लेते हैं यहीं पे, एक्स इक्वल टू अगर पुट अप करें हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ से तो काम करो, हाँ ये माइनस सेवन वाई है, और एक्स इक्वल टू अगर हम पुट अप करें तो माइनस वाई प्लस टू पुट अप हो जाएगा ना, yes, यहाँ पे एक्स इक्वल टू पुट अप कर दो यहाँ पे माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, हाँ तो y की वैल्यू आपकी माइनस फोर, और y की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो आप तो x की वैल्यू सिक्स आ जाएगी, सिक्स कामा माइनस फोर एज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, अब चूंकि फैमिली ऑफ लाइन्स है तो हमको पता है कि जब फैमिली ऑफ लाइन्स होती है तो एक कंकरेंट पॉइंट से पास करती है, तो कितनी भी लाइन्स वहाँ पे क्यों ना हो जाए वो सब इस पॉइंट से पास ही करेंगी, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, देखो जो भी लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इसका क्वाड होगा। ठीक है, लाइन इसको सेटिस्फाई करेगा वही क्वाड होगा इसका, है ना, जो क्वाड की फैमिली उसका इक्वेशन ये है। ठीक है, और जो भी लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी वो क्वाड होगी, और उसको एक कॉमन पॉइंट से पास करना पड़ेगा जो कि हमने लाइन में देखा था। ठीक है, कि अगर वो कॉन्क्रेंट होंगे तभी ये सिचुएशन बनेगी, एल वन प्लस लैम्डा एल टू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब दे विल पास फ्रॉम ए कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, जितनी भी लाइन इसको सेटिस्फाई करेंगी वो सब एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेंगी, और वो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सिक्स कामा माइनस फोर होगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े, यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे. लेट सर वो मैंने लाने से कुछ पाई थी सर, वो बुक जो आपने बताई थी दिशा वाली. हाँ सर वो मिली, सर वो मिली नहीं हमारे यहाँ, तो सर आप पीडीएफ दे देंगे मेरे को उसका? कोई बात नहीं, मैं आज उसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा. यस सर, थैंक यू सर. ठीक है. यस सर. हाँ, लेट एस वन बी ए सर्किल पासिंग थ्रू ए 0,1. लेट एस वन बी ए सर्किल पासिंग थ्रू 0,A, पासिंग थ्रू 0,1 बी माइनस 2,2 एंड एस टू is a circle of radius under root 10. Such that AB is common chord. Find the equation. आप एस टू देखो क्या है. लेट एस वन बी अ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी. एस वन का इक्वेशन आपको दे दिया है. ठीक है, एस वन का इक्वेशन आपको दे दिया है. सबसे पहले एस वन की इक्वेशन निकाल लो, देखते हैं क्या है. ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, माइनस टू प्लस टू हो जाएगा ना. प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो. ठीक है. एस वन इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स ठीक है. नाउ लेट एस वन बी अ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी. इस सर्किल को हम ड्राइव करते हैं. ठीक है, इस करेगा ही करेगा क्योंकि इसमें तो कहीं कोई कुछ है भी नहीं ना, क्योंकि इसी पॉइंट पे बनाया गया ना ये. yes. ये तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे. ये लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, समझ आ गया. लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. वैसे बनाया, अगर डायरेक्टली बनाया तो ये आपका एक्स एक्सिस पे बनाना चाहिए हमको. ये आपका माइनस टू है एंड प्लस टू है, फोर्थ क्वाड्रेंट. वही ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये. ठीक है, बट एनीवे ऐसे डायग्राम बना के देखते हैं. एंड एस टू इज अ सर्किल ऑफ रेडियस रूट 10 यूनिट such that AB is a common chord. मतलब हुआ S2
ये एस वन है, ये एस टू है, यही हुआ ना, सच दैट ए बी इज अ कॉमन क्वाड। तो देखो हमें एस वन का इक्वेशन पता है, ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो लाइन ए बी का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं हम। लाइन ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका इक्वेशन, ये पॉइंट 0.1 माइनस 2.1 दिया हुआ है, तो इसका लाइन का इक्वेशन मैं लिखूं डायरेक्टली एट वन पॉइंट, ये बन जाएगा सिंपली देखो माइनस 2 माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा, नीचे 2 ही रह जाएगा, ठीक है, 0 x 0 है, y माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इसका इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। नाउ अब क्या हो गया, ये लाइन दी हुई है हमको और ये सर्किल दी हुई है और ये इसके इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो हम क्या करें, हम जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं ना लाइन सर्किल वाला। नाउ इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल पासिंग एनी सर्किल हैविंग ए बी इज कॉमन क्वाड, कॉमन क्वाड, ठीक है, एनी सर्किल हैविंग ए बी इज कॉमन क्वाड, हैविंग ए बी इज कॉमन क्वाड, एनी सर्किल हैविंग ए बी इज कॉमन क्वाड, ये बन जाएगा एस वन प्लस लेमडा ए बी, बन जाएगा ना। सर ये जो इक्वेशन आई है ए बी की, सर ये मेरी अलग आ रही है, एक्स माइनस टू वाई प्लस टू आ रही है सर मेरी, उसमें से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है, तो आपका एक्स प्लस टू वाई माइनस टू हो जाएगा। फिर सर अगर माइनस कॉमन लूंगी तो एक्स माइनस में चला जाएगा, फिर मैं बना के मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, वाई है वाई माइनस टू इक्वल टू टू माइनस वन, वाई टू माइनस वाई वन अपान माइनस टू माइनस जीरो अपान एक्स प्लस टू, इसको सॉल्व कर लो, वाई माइनस टू अपान वन माइनस टू ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस टू, ठीक है। तो फिर हम जो जो फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें y माइनस y वन नहीं होता, तो सर यहाँ पे फिर उस हिसाब से तो वन ही आना चाहिए, y माइनस वन किसी पॉइंट से पास करा लो क्या प्रॉब्लम पड़ेगा, एक लाइन के इक्वेशन तो वही बनना चाहिए, मैं अभी रिवर्स भी करके देख लेता हूँ, ठीक है। यस ठीक है, ये y माइनस वाई वन तो y1 वन माइनस वाई टू, ठीक है, y1 वन माइनस वाई टू एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, yes, और x माइनस एक्स वन, ठीक है। अभी दूसरा भी करके देख लेते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, माइनस टू आई प्लस फोर इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसको उधर लाएंगे हम तो क्या मिल जाएगा, x प्लस टू आई माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक तो ये बन जाएगा इक्वेशन हमारे पास में, ठीक है। अब इसको सेकंड तरीके से करके देख लेते हैं, हमने ए बी को पहला पॉइंट ले लिया, ए को ले लिया पहला पॉइंट, वाई माइनस वाई वन, ठीक है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस y2 अपान x1 माइनस x2 अपान x माइनस x1, ठीक है, यस सर, y माइनस 2 इक्वल टू x बाई 2, ठीक है, यस सर,
ये आपका बन जाएगा टू वाई माइनस फोर इक्वल टू एक्स, ठीक है? मीन्स एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, सब्ट्रैक्शन की जा रहा है। पॉइंट का ऑर्डर चूज करने पे इक्वेशन डिफर नहीं करनी चाहिए। मतलब सर अगर हम लोग सिर्फ आगे पीछे भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट का। y माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस जीरो माइनस टू, टू माइनस माइनस वन, टू माइनस माइनस वन, ठीक है, और अपॉन एक्स टू माइनस वन माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दोनों में से दो जो भी इक्वेशन है पुट अप करके सॉल्व कर सकते हो, दोनों इक्वेशन उसी लाइन की है ना। यस ठीक है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन को इसके पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे रखे हम तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस टू को रखे माइनस टू और टू रखे यहाँ पे फोर, फोर सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन को चेक करो, जीरो रखें जीरो हो जाएगा, वन रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है? मतलब इसमें कहीं कोई फॉल्ट है, इस इक्वेशन को में कहीं कोई फॉल्ट हो रही है, क्योंकि देखो सेटिस्फाई नहीं कर रही पॉइंट को। ये देखते हैं मिस्टेक क्या है, दोबारा करके कोशिश करते हैं इसको एक बार। पहले फार्मूला लिखते हैं फिर बनाते हैं। क्या फार्मूला क्या होता है? y माइनस सर y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ओके, हमने ए बी को के कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन माना हुआ है ना सर? ए बी को एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई टू मीन्स टू माइनस वन अपॉन माइनस टू माइनस जीरो एंड एक्स माइनस जीरो, ठीक है? ये हो जाएगा आपका वाई माइनस वन इक्वल टू, ऊपर वन बचेगा खाली एक्स बचेगा, नीचे क्या बचेगा? माइनस टू बचेगा ना? Yes. ये बचेगा ना? Yes, sir. माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? ये एक्स प्लस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये तो बनना बेटा। Yes, sir. में हमने अच्छा यहाँ पे हमने वाई वन माइनस वाई टू कर दिया था ना, पिछली बार किया था अभी जब हमने Yes, ये वाला पोर्शन हमने गलत पुट कर दिया था ना। Yes, ठीक है, क्योंकि सेम पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो वो सेम ही आनी चाहिए। Yes, ठीक है। Yes, आपसे कहाँ मिस्टेक हुई सर? वो मैंने माइनस साइन नहीं लगाया था नीचे। ओके, तो मैंने गलती से माइनस नीचे लगाना भूल गई तो फिर मेरा प्लस में आ रहा था। ठीक है, अब इस इक्वेशन इस सर्किल का इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन क्या है इसका? इक्वेशन है सर्किल का, इक्वेशन आ जाएगा इसको यहाँ पे पुट अप कर दो और पुट अप करके लैम्डा के टर्म में उसको सॉल्व भी कर लो। मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे लेमडा एक्स इसमें ऐड हो जाएगा तो टू प्लस लेमडा एक्स बन जाएगा ये। यस सर, प्लस माइनस थ्री प्लस टू लेमडा एक्स बन जाएगा, यहाँ पे टू लेमडा ऐड हो जाएगा सर, वो टू टू तो कट जाएगा। हाँ, तो प्लस टू लेमडा माइनस थ्री वाई कर दें इसको, और ये हमारे पास माइनस टू है, ये हमारे पास प्लस टू, बट ये लेमडा टू है। क्या है ये लेमडा टू है? ये हमारा टू माइनस टू लेमडा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ दिस क्या हो जाएगा? अंडर रूट
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू 2 प्लस लैम्डा बाई 2, एफ की वैल्यू 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 3 बाई 2 माइनस सी। ठीक है, माइनस साइन भी आएगा ना दोनों के साथ? हाँ, हाँ दोनों के साथ माइनस साइन आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका रेडियस यहाँ पे निकाल लो फार्मूले में पुट अप करके, और दिस इज इक्वल टू गिवन यू रूट टेन। ठीक है, दिस इज गिवन एज रूट टेन। इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट अप कर दो, वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। सिर्फ ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है, सिर्फ प्लस माइनस, सिर्फ 4 प्लस माइनस अंडर रूट 151 प्लस माइनस रूट 7 आ रहा है बेटा मेरा। मैं एक बार फिर से सॉल्व करती हूँ। इसको सॉल्व कैसे करोगी? Yes, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। Yes, sir, से वो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, इसमें करती हूँ एक मिनट। एक बात कर लो।
तो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम देखते हैं बेस्ड ऑन लोकस, ठीक है? यस सर। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लोकस क्वेश्चन वन। If a line segment, AM equal to A moves in the plane x o y remaining parallel to o x. So that the left end point A slides along the circle x square y square equal to a square, then find the locus of f. ठीक है, बनाते हैं। सर्किल है, सेंटर 0 0, रेडियस ए है, ठीक है? नाउ ए एम इक्वल टू ए दिया हुआ है आपको, ए एम इक्वल टू ए दिया हुआ है, एंड एक्स वाई में रिमेन करेगा पैरेलल टू ओ एक्स है, मतलब ए एम कोई है, ए एम कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पे, लेट दिस इज ए एम, ठीक है? एम का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के ले लिया हमने, ओके? और सच दैट ए स्लाइड्स अलोंग द सर्किल, मतलब ए सर्किल के अलोंग स्लाइड कर रहा, मतलब ए का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, जो भी पॉइंट होगा वो सर्किल पे है। लेट ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स का कोऑर्डिनेट ए कॉमा वाई है, इसका लेंथ ए दिया हुआ है आपको, ठीक है? यस सर। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स वाई। ये ए जो मूव करेगा वो लेफ्ट टू राइट जैसे जाएगा तो वो कट करता हुआ जाएगा। हाँ, वो कहीं भी मूव करे, ऐसे जाए तो ऐसे, यहाँ पे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, और जब ए आपका यहाँ पे एक चोली में होगा तो एम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका भी रेडियस ए है और इसका भी लेंथ ए ही है। एम का हमें बताना है, लोकस बताना है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखें तो कुछ नहीं है, ये जस्ट शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन टाइप का प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे तो, ठीक है? क्या दिख रहा है? शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन का प्रॉब्लम दिख रहा है हमको ये, ठीक है? देखो यहाँ पे अगर ए का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ एक्स हो गई है ना, अब वाई, ये वाई हो गया, और एम का कोऑर्डिनेट एच कामा के है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच इक्वल टू
ये लेंथ हो गई ना, ये लेंथ के हो गई, तो y इक्वल टू के दिया हुआ है, एच इक्वल टू एक्स प्लस ए दिया हुआ है ना। जो नीचे वाला है वो h लेंथ हुई और ऊपर वाली k हुई, ये इससे y इक्वल टू k हुआ और फिर h इक्वल टू x प्लस a। फ्रॉम द फिगर x इक्वल टू में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, h माइनस a एंड y इक्वल टू के, ठीक है। यस सिंस ए मीन्स एक्स कामा वाई लाई ऑन द सर्किल, लाइज ऑन द सर्किल, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे ये कोऑर्डिनेट। यस एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इससे आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन आपका बन जाएगा सॉल्व करो, सॉल्व करें तो ये आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू ए एच ना, यस सर इक्वल टू ए एच माइनस टू ए एच इक्वल टू जीरो। नाउ पुटिंग एच के एज एक्स कामा वाई, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इक्वल टू जीरो। इज रिक्वायर्ड लोकस, मतलब हमने फिगर बनाया उसमें से जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट सर हमने एम के कोऑर्डिनेट्स के टर्म में निकाले, और फिर क्योंकि सर जो एक जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन में डाल दिया उसने। बिल्कुल, हम लोकस कैसे निकालते थे, जो कोई कंडीशन दी हुई होती थी उस कंडीशन को मैथमेटिकली लिखते थे। यस सर, उसको सॉल्व करते थे और सॉल्व करने बाद में उसमें एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते थे। yes, तो उस कंडीशन में उस भी पॉइंट की या जिसकी भी बात करते थे उसका लोकस निकल जाता था, ये एम का लोकस हो जाएगा, ठीक है। yes, समझा गया। yes, एम ये भी एक सर्किल ही बनाएगा, क्या बनाएगा, ये भी एक सर्किल ही बनाएगा, और इसमें वो एफ क्या जीरो है, क्या है जीरो है। yes, क्या जीरो है, एफ वाला मतलब कोऑर्डिनेट, ठीक है। yes, तो हुआ कि इसका जो भी आपका सेंटर होगा वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। yes, so, having center at x-axis, ये एक सर्किल बना लेगा। yes, ठीक है। yes, एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं पहले। The tangents to the tangents to x square plus y square equal to a square. Having inclination, having inclinations alpha and beta intersect at P. If cot alpha plus cot beta equal to 0
देन फाइंड द लोकस ऑफ पी, देन फाइंड द लोकस ऑफ पी, ठीक है। Yes. The tangent to x square plus y square equal to a square having inclinations alpha and beta. ठीक है? मतलब जो tangents दो बनेंगी उनका x axis से जो angle है वो alpha and beta है, ठीक है? Inclination. x axis से या मतलब से जहाँ पे वो generally वो x axis से ही लिया जाता है, मतलब जहाँ भी टच करेंगे वहां पर जब बनाओगे उनको yes, sir. के रिस्पेक्ट में ही देखा जाता है उसको ना। अच्छा सर, ठीक है। तो एक तरीके से सिंपली कह सकते हैं कि m दिया हुआ दोनों लाइन का, क्या दिया हुआ है? दोनों लाइन का m दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, दोनों लाइन का m दिया हुआ है आपको और कंडीशन दी है cot alpha cot beta equal to zero, then find the locus of p. तो P एक तरीके का टेंजेंट है, तो लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें आपको क्या दिया हो? स्लोप दिया हो, मतलब M दिया हो, ठीक है। मेरे को डायग्राम नहीं समझ आ रहा सर, जैसे अल्फा बीटा की इंक्लिनेशन दिखाएंगे कैसे? अब बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। पहले बनाते हैं इसको, लेट दी ठीक है। ये टेंजेंट्स हैं, किसी भी दो पॉइंट पे इसका टेंजेंट बना सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाए किसी एक पॉइंट का तो एक टेंजेंट ये बन जाएगी ऐसे, ये एंगल कुछ हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट बनाए कोई इसका तो एक ये एंगल बन जाएगा, है ना? ये किसी भी तरीके का आप बना सकते हो किसी भी पॉइंट पे, लेकिन देखते हैं इस कंडीशन में क्या कौन सी चीज फिट करेगी। द टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हैविंग इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा इंटरसेक्ट एट पी, ये इंटरसेक्ट की कहाँ पे? एट पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब पॉइंट पी यहाँ पे तो एक्सीडेंटली वाई एक्सिस पे दिख रहा है, बट ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी, इफ cot alpha cot beta equal to zero then find the locus of p. तो locus of p पता करना है, इन दोनों का m पता है हमको, तो इनके बीच का एंगल निकालें तो उसी से locus निकल सकता है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। Let the coordinate of p का assume कर लो, locus निकालना है h comma k. Let, ठीक है, लेट पी पी इज एच कामा के, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी टू द सर्किल, फ्रॉम पी टू द सर्किल क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर होता था, अगर m उस टेंजेंट का क्या बन जाए? स्लोप हो, ठीक है। अभी हमने m कॉमन लिखा हुआ है, ये जब अल्फा हो जाएगा तो इसके लिए हो जाएगा, बीटा हो जाएगा तो इसके लिए हो जाएगा, सॉल्व करके जो भी वैल्यू m की निकलेगी है, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन होता है, कॉमन इक्वेशन होता है, ठीक है। अब चूंकि हम एच के से इसको डाल रहे हैं तो एच के से कर रहे हैं, तो ये सिंपली बन जाएगा के इक्वल टू एम एच प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, सही है? यस सर। फॉर पी एच कॉमा के, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप एम, ठीक है। यस, गिवन सर्किल, गिवन सर्किल दिस,
ये वैल्यू यहीं से आई है, इससे ज्यादा कैसे आती थी ये? ठीक है, लो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा इस वाले इक्वेशन को. दिस कैन बी रिटन एज सिंपली एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं इसको, टू एम के एच ए प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट्स इट बोथ रूट्स आर एम वन एंड एम टू. देन वी नो दैट इफ रूट्स आर एम वन एंड एम टू देन एम वन प्लस एम टू कितना होता है? कोफिशियंट ऑफ बी माइनस अपॉन कोफिशियंट ऑफ ए, ये होता है ना? यस सर. तो टू एच के अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा. यस सर. नाउ गिवन क्या दिया है? गिवन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा एम वन इक्वल टू टेन अल्फा एंड एम टू इक्वल टू टेन बीटा. पहली लाइन का स्लोप अल्फा दिया है, दूसरी लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है? बीटा. एंगल बीटा दिया है. तो अगर मान लेते हैं कि टू एम निकलेगा तो इन्हीं दो लाइन का निकलेगा ना. मान लिया हमने कि इसका एम वन है और इसका एम टू है, ये अल्फा है तो एम वन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? टेन अल्फा. एम टू इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन बीटा. तो इस टेन अल्फा टेन बीटा इस इक्वेशन में पुट अप कर दो, देन एंड इट इज गिवन द आल्सो गिवन दैट क्या दिया है? एंड आल्सो हाँ कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू जीरो दिया हुआ है. दिस मीन वन अपॉन एम वन दिया है ये प्लस वन अपॉन एम टू, एम टू इक्वल टू जीरो दिया हुआ है. ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई. अच्छा कुछ नहीं, इसी पे सॉल्व कर लेते हैं. क्यों करना, इक्वेशन क्यों बनाना? देखो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या मिल जाएगा आपको? ये m1 plus m2 upon m1 m2 equal to 0. This implies m1 plus m2 equal to also 0. Yes sir. ठीक है, इसमें इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट अप कर दो तो इट विल गिव यू h into k equal to 0 दे देगा ये. ठीक है, yes sir. समझा गया? yes sir. it means x into y equal to 0 जो हो जाएगा वो p का लोकस हो जाएगा. और तेजी निकला है तो हाँ एक बार इसको दोबारा देख लो फिर आगे बढ़ो.
समझ में आ गया? यस सर। अगर क्वेश्चन दोबारा मिले तो हो जाएगा आसानी से? यस सर। बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है लोकस का क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। काइंड दी लोकस, जबकि लोकस बहुत इजी होता है अगर आप जो कंडीशन दी हुई है उसको समझ जाओ तो, ठीक है? सिर्फ कंडीशन को मैथमेटिकली लिखना है, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर देना है एच कामा कैमिक पे को, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। फाइंड दी लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप द टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट होज पैरामेट्रिक एंगल डिफर बाई एट पॉइंट होज पैरामेट्रिक एंगल डिफर बाई पाई बाई थ्री, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है? ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर एट पॉइंट्स होज पैरामेट्रिक एंगल्स डिफर बाई पाई बाई थ्री, ठीक है? देखते हैं टू मतलब क्या है। टू पॉइंट सर्किल पे हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मीनिंग है ये हुआ, सर्किल आपका यही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जीरो कामा जीरो ए रेडियस है, टू पॉइंट्स हैं आपके सर्किल पे। लेट्स जो पॉइंट है क्या है, पी एंड क्यू है, क्या है, पी एंड क्यू है। तो क्वेश्चन है कि इनका जो पैरामेट्रिक एंगल है मतलब अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये एंगल पाई प्लस थीटा हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा ये पाई बाय थ्री प्लस थीटा, ठीक है? मतलब पॉइंट पी और क्यू का जो पैरामेट्रिक एंगल इनमें जो डिफरेंस होगा वो पाई बाय थ्री का हो जाएगा, ठीक है? सर मतलब अगर जैसे एक्स एक्सिस के साथ पी जो पॉइंट है वो थीटा बना रहा है और क्यू जो है वो पाई बाय थ्री प्लस थीटा बना रहा है, तो सर दोनों का डिफरेंस जो पाई बाय थ्री होगा तो उसे पैरामेट्रिक एंगल, बिल्कुल। अब कह रहा है कि इस पे जो टेंजेंट होंगी, इस पे जो टेंजेंट होगी, इन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होगी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है। लेट पी क्यू आर, दिस इज पॉइंट आर, इसका कोऑर्डिनेट एच कामा के है, इस पॉइंट आर का लोकस आपको बताना है। देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ये डायग्राम बना लिया हमने, यस सर।
तो पी का अगर एंगल थीटा है तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा कामा ए साइन थीटा, यही होगा ना। और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्यू का कोऑर्डिनेट होगा ए कॉस पाई बाय थ्री प्लस थीटा और ए साइन पाई बाय थ्री प्लस थीटा। हाँ बेटा जाओ अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखते हैं, हमें एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ है। क्या दिया है, एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ है इन फिगर, हमें दिया है एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू पाई बाई थ्री। ठीक है, पी ओ क्यू इक्वल टू दिया हुआ है पाई बाई थ्री दिया हुआ है, तो अगर ये पाई बाई थ्री हो गया मतलब 60 डिग्री हो गया ना। यस ओके, ये 60 डिग्री हो गया तो एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ आर ना 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 एंगल पी ओ आर निकालने तो कितना हो जाएगा, देखो जरा एंगल पी ओ आर अगर निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, देन एंगल पी ओ आर इसका हाफ हो जाएगा पाई बाई से। ठीक है, एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों हो जाएगा, आप चाहें तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकती हैं। ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे इसको, हम वेरीफाई करना, ये इसका रेडियस हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये भी रेडियस हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। और ये चीज हमको पता है कि क्या होता है, एक ही पॉइंट से अगर टेंजेंट की लेंथ निकालें तो सेम होती थी वो। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन हो गए तो ये आपका सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा, तो एंगल सेम हो जाएंगे पूरे ये। ठीक है, हाफ हाफ हो जाएगा। ओके, अब हमें आर का लोकस निकालना है। छोटे बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं। नाउ नाउ देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमको ए दिया हुआ, तो आर का कोऑर्डिनेट एच कामा के है, तो एच कामा के की वैल्यू हम ए और इसके टर्म में निकाल सकते हैं हम। निकाल सकते हैं स्मॉल ए के टर्म में। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल ट्रायंगल ओ पी आर, ट्रायंगल ओ पी आर एम पी आपका 90 डिग्री है और हमें निकालना है ओ पी, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओ पी निकालना है। ओ पी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ओ आर के रिस्पेक्ट में, ओ आर कास पाई बाई सिक्स मतलब कास 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये बेस हो जाएगा या हाइपोटेनस हो जाएगा ना, हमें आर का कोऑर्डिनेट निकालना है। आर का कोऑर्डिनेट एच का मैं के है ना, और ओपी इक्वल टू ए दिया हुआ है, ये ए हो जाएगा सिंपली, और ओ आर क्या होगा, ओ आर क्या होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ओ आर हो जाएगा एच कामा के दिया हुआ है, एच कामा के दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, इसको मैं अलग बना दे रहा हूं, ये है आर एच कामा के, ये है ओ है ना, यस मींस ये है के ये है एच, तो ओ आर क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओ आर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2 होती है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा 3 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4a². दिस इम्प्लाइज 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² विल बी लोकस ऑफ पॉइंट आर, ठीक है, विल बी लोकस ऑफ पॉइंट आर। हो गया बेटा, समझ में आ गया, आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चंस और हम लोकस पे कर लेते हैं, उन्हें भी देखते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्किल टचिंग द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x इक्वल टू 4 इंटरनली। And tangents on which and tangents on which from 1, 2 is making a 60-degree angle, with each other. ठीक है, find the locus of the center of a circle, ठीक है, अंदर बनेगा तो वो जो सर आपने जो इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स वाला, तो उसमें जो फिर एक केस था जिसमें अंदर बन रहा था वो हाँ। वाला है। तो बनाते हैं जरा पहले इसका सर्किल का जो डायग्राम क्या कह रहा है उसको बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्किल है, ये इसको इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, जो भी है। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल टचिंग द सर्किल इंटरनली, हमें इसके इसके सेंटर का लोकस निकालना है जो इस सर्किल को इंटरनली टच कर रहा है। इस सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू
जीरो, ये सर्किल इसको इंटरनली टच कर रहा है, एंड टेंजेंट्स ऑन व्हिच, इस पे टेंजेंट है कहाँ पे, एक पॉइंट है 1,2, पॉइंट है 1,2, इससे इस पे टेंजेंट डाला गया है, तो वो 60 डिग्री एंगल है दोनों टेंजेंट्स के बीच में, और इनके बीच का एंगल जो है कितना है, वो 60 डिग्री है। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल दिया है वो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। देखते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो इसको इससे मिला लो, ये पता है कि परपेंडिकुलर ही होता है ना, अभी पीछे भी देखा था हमने, अगर ये पूरा 60 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, लेट्स सेंटर इज पॉइंट ए, दिस गिवन पॉइंट इज बी, एंड टेंजेंट्स का जो पॉइंट है दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, यस सर, हमें ए का लोकस बताना है, ठीक है, ए का लोकस बताना है हमें, ठीक है, जैसे एच कॉमा के ले रहे हैं ए के लोकस को, हाँ इसका लोकस एच कॉमा के ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, एच कॉमा के ले लेंगे, तो एच कॉमा के ले लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसका लोकस एच कॉमा के हो गया हमारे पास में, और ये लेंथ जो हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी। देखते हैं, लेट बड़ी वाले सर्किल दी हुई है आपको, तो सबसे पहले हम जो सेंटर वाला कंडीशन था हमारे पास में, जब इंटरनली टच करते थे, तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं यहाँ कहीं सेंटर है इसका, ऐसे देखो इसको, ये है, ये है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है ना, तो सेंटर और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी इनके इनके बीच के, इसका पूरा पूरा कितना था, टोटल कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर माइनस कर दें हम, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये आपका बन जाएगा सी सी वन सी टू बन जाएगा ना, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सबसे पहले इस कंडीशन को यूटिलाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें इस डायग्राम का फर्दर क्या यूज करना है हमें, ठीक है, पहले लेट को फाइंड कर लेते हैं, इसका सेंटर ले लेते हैं, स्मॉल सर्किल, फार स्मॉल सर्किल, सेंटर एच कामा के एंड रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है, एंड गिवन सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, गिवन सर्किल के लिए सेंटर हो जाएगा आपका आर टू कामा वन एंड रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा रेडियस इसका, थ्री, दो का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर माइनस फोर, सर्कुलर माइनस वन आएगा ना, कैपिटल आर की वैल्यू आपकी वन है, ठीक है, अच्छा कैपिटल आर की वैल्यू आपको वन दी हुई है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है कैपिटल आर की वैल्यू आपको वन दी हुई है, कहीं कुछ मिस्टेक है, हाँ मिस्टेक है, ये माइनस फोर वाई माइनस टू एक्स दिया हुआ है, पे
माइनस फोर वाई माइनस टू एक्स दिया हुआ है, तो सेंटर आपका चेंज हो जाएगा, सेंटर आपका हो जाएगा 1, 2। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो। हेलो, यस सर, कि ये जो पॉइंट बी है एक्चुअली में इसका सेंटर ही है। पॉइंट 1, 2 जो है इसका सेंटर ही है। ठीक है, पॉइंट 1, 2 इसका सेंटर ही दिया हुआ है। तो इसको अभी आर मान के सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं क्या वैल्यू इसकी बनेगी फिर इक्वेशन में, देखते हैं। तो बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या होती है C1, गिवन कंडीशन क्या होती है C1 C2 इक्वल टू आर माइनस आर हो जाएगी। ठीक है, राम फिगर C1 क्या क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच माइनस वन का स्क्वायर प्लस के माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस आर। ठीक है, yes, ये आपका r की वैल्यू 1 हो गई। अब निकालते हैं, अभी देखते हैं, 1 by 1 करते हैं। नाउ फ्रॉम फिगर r upon ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम 30 हो जाएगा। ab इक्वल टू क्या दिया हुआ है, r माइनस आर। ab इक्वल टू क्या दिया है, C1 ही है ना, r माइनस आर। यस, ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका, r माइनस आर बाई। ठीक है, आर इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे पुट अप कर दो आर माइनस आर बाई टू, ये 2r - r + r। ना 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 ना, कुछ और करते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू। एक मिनट, इसको सॉल्व करो, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अभी। ऐसे हमें r की वैल्यू चाहिए ना, स्मॉल r की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहां से ले जाओगे तो 2r हो जाएगा ना, ये 2r + r 3r हो जाएगा। स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा r बाई 3 हो जाएगा। नाउ इसमें पुट अप करके इसको दोनों साइड का स्क्वायर भी कर लेते हैं। कोई नहीं, पहले एक एक काम करते हैं, एच माइनस के, सॉरी एच माइनस वन का स्क्वायर प्लस के माइनस टू का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे पुट अप करें इसकी वैल्यू आर बाई माइनस 3, तो क्या हो जाए, 3 - 1 2/3 आर हो जाएगा ना। Yes, 2/3 r हो जाएगा, r की वैल्यू 1 है। हाँ, अब r की वैल्यू आपको दी हुई है, उसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करते ही आपको लोकस मिल जाएगा। Yes,
अंडर रूट वन, अंडर रूट वन का स्क्वायर वन, ये आर आपने गलत निकाला होगा बेटा, दोबारा निकालो। आर की वैल्यू वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, ये माइनस सी ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस फोर हो जाएगा, ये नाइन इक्वल टू थ्री हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ये दिस आर इक्वल टू थ्री, ये वैल्यू पुट अप कर दो, स्क्वायर कर दो तो इक्वल टू ये टू बन जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज स्क्वायर कर दो इसका। सर आपकी इक्वेशन आ रही है सर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एच माइनस फोर के प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, जगह वाई पुट अप कर दूं, ये आपका इक्वेशन हो जाए, इसको सॉल्व करके लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। ठीक है, वाई माइनस, ठीक है, यस सर। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो। Two rods of length A. सर मतलब locus वाले से भी अभी तक कितने भी क्वेश्चन है सर सब फिगर बेस्ड है, मतलब ज्यादा से ज्यादा फिगर से आंसर निकल रहा है। बिल्कुल, आपको फिगर बनाना है और जो एच के आपका पॉइंट मानना है उसमें एक रिलेशन बनाना है आपको। ठीक है, मैं जैसे आप रिलेशन बना दोगे उनका लोकस आ जाएगा। ठीक है, Yes. तो अभी तो हम लोकस निकाल रहे हैं, अभी आगे लोकस वाले को एक्सटेंड करेंगे जब एक बार खत्म हो जाएगी ज्योमेट्री हमारी। ठीक है, Yes. तब हम देखेंगे कि जो लोकस होगा हमारा वो प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में कोई फॉर्म बनाएगा, सर्किल बना रहा है या रेक्टेंगल बना रहा है या इलिप्स बना रहा है या पैराबोला बना रहा है। ठीक है, Yes. और उसका अप्लीकेशन हम करेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां पे चीजें जुड़ी हुई हैं दूसरे से। ठीक है, yes. इसलिए लोकस की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बस, लेकिन ये एक बार डायग्राम बनाना सीख जाओ, कंडीशन निकालना सीख जाओ तो बहुत इजी भी है ये। ठीक है, 12th और 11th का सिलेबस है सर, उसमें तो लोकस पे इतना फोकस ही नहीं करते हैं। हाँ बेटा, समस्या इसी बात की होती है ना कि भाई अगर 11th 12th में आपको अच्छे से पढ़ाया जाए बच्चे को तो उसको फिर किसी एक्स्ट्रा ऐड की जरूरत ही ना पड़े ना। सर हमारी टीचर्स के पास टाइम नहीं बचा था इसलिए उन्होंने पढ़ाया नहीं, तो उन्होंने दिया ही नहीं था। नहीं, ये सब गलत है, टीचर को टाइम निकाल के एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाना चाहिए। 12th में भी हुआ था सर, वो जो चैप्टर था सर जो फर्स्ट वाला मैथ्स का सर फंक्शंस वाला जो
तो वो स्कूल में सही से पढ़ाया ही नहीं, मान लिया उसके हमारी सर एक वर्चुअल साइट होती है, तो सर उस पे मान लिया कहीं किसी साइट से निकाल के आंसर डलवा दिए थे बस। वाले चैप्टर में भी प्रॉब्लम आई थी जो तो फंक्शंस वाला चैप्टर था। करते हैं टीचर क्या करें, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस है। मेरा मानना है कि बच्चे के पास इतना पोटेंशियल होता है कि इसको आप कितना भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो अगर अच्छे समझाओ तो उसको समझ में आ जाएगा, वो उसे कर लेता है वो। कोई भी चीज एक बार करते हैं दोबारा करते हैं तो इजी लगने लगती है ना फिर वो। ऐसे वो प्रैक्टिस होके आदत पड़ जाती है, मुझे पता चल जाता है कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन और उसको। बिल्कुल, अगर उसे किया ही नहीं तो हमेशा मुश्किल लगेगा ना उनको। इन सच अ मैनर दैट देयर एंड्स आर दैट देयर एंड्स आर। देख बच्चे पढ़ाने के लिए आदमी को पढ़ना बहुत पड़ता है, अगर आपको अच्छे से पढ़ाना है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और आदमी जो मेहनत नहीं करना चाहता है वो वहां पे वो फिर भागते रहता है। देयर एंड्स आर ऑनलाइन क्लास में तो सर और भी मेहनत होती है सर टीचर्स की। बिल्कुल। बट टीचर अच्छे से मेहनत करे तो उसके बच्चे की लाइफ इजी हो जाती है ना। ज्यादा से सारा तो सर टीचर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, और टीचर का काम ही यही है। तो अगर वो अपना काम नहीं कर रहा ढंग से तो मतलब अच्छा नहीं कर रहा ना फिर तो वो। फाइंड द लोकस ऑफ द ठीक है, ट्राई करो। इजी क्वेश्चन है, टू राड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी स्लाइड्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली इन सच अ मैनर दैट देयर एंड्स आर कॉनसाइक्लिक। ठीक है, मतलब कॉनसाइक्लिक का क्या मतलब उनके है? एंड्स जुड़े हैं, वो जुड़े हुए हैं और वो साइकिल पे ही रहेंगे, मतलब साइकिल सर्किल बनाएंगे वो। मतलब वो जो उनके एंड पॉइंट से जो जहां वो मीट कर रहे हैं उस पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहे हैं। नहीं, देखो ये बता रहे हैं, ए एक्सिस एक्स हो गई, ए वाई एक्सिस हो गई आपके पास में। ठीक है, और यहाँ पे दो राड्स आपके पास में हैं जिनके एंड जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, इसका मतलब होता है कौन सा क्लिक के जो इनके एंड्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, लेट दिस इज एस कॉमा के, ये एक सर्किल बनाएगा। क्या बनाएगा? ये एक सर्किल बनाएगा। ठीक है, सर मतलब सर्कल बनाएगा तो सर्कल उसे पास नहीं हो रहा मतलब सर एक ना ना, तरीके ये से इसको ना सर्किल का कुछ। सेंटर बनेगा, इसका जो एंड है वो सर्किल का सेंटर बनेगा। ये सर्किल का सेंटर बनेगा, सर्किल का सेंटर बनने के लिए इसको देखते हैं क्या करना पड़ सकता है। सर्किल बना लो, ये है इसका मतलब, अगर ये सर्किल है तो इसका रेडियस ये हिस्सा होगा, तो लेते हैं कोई सर्किल बनाते हैं यहाँ पे।
ओरिजिन से पास ये करेगा सर्कल बन गया, मतलब। ठीक है? ना ना बिल्कुल नहीं, हमने ओरिजिन को हटाने के लिए दोबारा बनाया सर्किल, ठीक है? हमें नहीं पता कहाँ से कैसे? पास करनी है ना, इसलिए हमने ओरिजिन से ओके हटा दिया। अदरवाइज ओरिजिन डाल देते तो अभी आदमी क्या करता, यहीं से डाल के एच के बना डालता उसको, तो मिस्टेक हो जाता फिर वो। यस तो आपको राइट सीएम दिया हुआ है एंड सी, कोई इसका भी कोऑर्डिनेट दे दो, सी एल देते हैं, एल एम कर देते हैं ना, यस ठीक है? सर। कुछ और सी एम पॉइंट्स ले लेते हैं, एच और सी एन के क्यू के एल। पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी ले लिया हमने, एंड ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट पी ले लिए हम, ये पॉइंट क्यू ले ले, ठीक है? कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा, क्योंकि तो अभी क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बी कॉर्ड यस बनेगा और पी क्यू कॉर्ड बनेगा, ठीक है? सर। और इन कॉर्ड के ऊपर चूंकि अब सी एम और सी एल रेडियस का ही पार्ट है, क्या है, सेंटर से आ रहे हैं ना, तो रेडियस का पार्ट बनेंगे, यानी ये इन पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये इन पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे ये, ठीक है? और सर जो हमारी रॉड्स है मतलब सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसकी वैल्यू ए और बी भी इन्होंने दे रखी है। हाँ, और हमको दिया क्या है, इनके वैल्यू ए बी दिया हुआ है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है हमको, हमें ए एल की वैल्यू पता है निकालना है, हमें सी एल और सी एम, तो क्या दिया है देखो, टू रॉड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी, ठीक है? रॉड्स की लेंथ दी हुई है हमको, ठीक है? रॉड्स की लेंथ दी हुई है हमको, ठीक है? रॉड्स जो है वो एल और एम को मानेंगे रॉड्स जो है। नहीं, देखो देखो, वो एल, ये जो हमारी रॉड्स हैं वो एक्चुअली में ये रॉड्स हैं ना, देखो पूरी लंबी एक्स एक्सिस जो होगी ये रॉड बनेगी पूरी हमारी, ये तो क्या है ये, कौन साइक्लिक है, देयर इंड्स आर कॉन साइक्लिक, मतलब जो इनके इंड्स हैं रॉड के दोनों के, वो एक ही सर्किल पे लाई करेंगे, ठीक है? और ये अलोंग द एक्स एक्सिस स्लाइड करेगी रॉड, ये रॉड, और ये अलोंग द वाई एक्सिस स्लाइड करेगी। देखो अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, तो हमने क्या किया, हमने एक सर्किल बना लिया सर जो सबसे हमने पहले, रॉड ली है उसके एंड पॉइंट से मिल ही नहीं रहे थे, वो तो ओरिजिन पे जाके मिल रहे हैं। किसके जो दोनों रॉड्स जो हैं सर उसका वो उनकी पूरी लेंथ ओ से नहीं लेनी चाहिए सर पे, क्योंकि मिल तो वो ओरिजिन पे रहे हैं एक तरीके से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा सा और हम चाहे तो कर लेते, ये तो हमें क्लियर दिखना चाहिए, ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है? क्योंकि विद रिस्पेक्ट कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है खाली ये, ठीक है? तो ए बी इक्वल टू ए दिया हुआ है और पी क्यू इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है? तो फ्रॉम फिगर पी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा, ठीक है? एंड ए एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, सही यस है? अब ध्यान देने की बात क्या है कि सी पी एंड सी ए दोनों क्या है, रेडियाई हैं, सी पी एंड सी ए दोनों क्या है, रेडियाई हैं, और ये लेंथ आपकी एच है, ये लेंथ आपकी के है ना? नाउ सी पी इक्वल टू सी ए, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, यस रेडियाई ऑफ सर्किल,
बस बन गया, सीपी और सी ए की वैल्यू पुट अप कर दो नॉन पैरामीटर के टर्म में, तो सीपी की वैल्यू ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो के स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस पीएम मीन्स बी बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हाइपोटेनस हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस नहीं ए ऐसे बाई टू, ए एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हाँ जैसे भी लिखना चाहो, प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो और इसको सॉल्व कर लो, आपका मिल जाएगा लोकस। सर ये जो ए सी हम निकालेंगे सर, इसमें के स्क्वायर नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आती, नहीं इधर भी के स्क्वायर नहीं बनना चाहिए क्योंकि ऊपर साइड। ए सी वाले में ये इस वाले ट्रायंगल में निकाला हमने ना, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये भी तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, ये सर इसका हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर एच है इसका, बेसिस का एस नीचे ये वाली बाई वैल्यू नहीं होगी सर, जो एच कॉमा के एल एच से एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं हुई तो सर नीचे नहीं होना चाहिए, और ये ओके 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 दैट्स रॉन्ग, वो आपने उल्टा लिख दिया ना के यस सर साथ में, ओके 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 दैट्स गुड दैट्स गुड। ये हमारा एच है ना, ये यस हमारा सर के है, ओके तो ये यहाँ पे एच हो जाएगा ना, कोई यस सर प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा एच स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा के स्क्वायर हो जाएगा, आप ठीक है, यस सर ठीक है, अब सॉल्व कर लो। यार है 4x² - 4y² = a² - b² ठीक है, एक बार दोबारा देख लो उसको। जैसे जो रॉड्स हैं ओरिजिन पे नहीं मिल रही है, क्या चीज, नहीं नहीं बिल्कुल जो नहीं मिल रही, रॉड्स रॉड हैं कहीं वो मिल ही नहीं ओरिजिन पे रही, नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस खाली इतनी है कि वो एक्सिस पे होगी, बस एक्स एक्सिस और एक्सिस पे। क्वेश्चन देखो इसी क्वेश्चन का डायग्राम आप चाहते तो ऐसे बना सकते थे, देखो ये एक्सिस हो गई, ठीक है, हेलो, सर और देखो इस पे आपका लेंथ बी की रॉड बनानी है, आपको क्या करनी है, लेंथ बी की रॉड लेनी है इस पे, और इस पे लेंथ ए की रॉड लेनी है, यस ठीक है, और ये क्या है, कौन साइक्लिक है, इसका मतलब साइकिल जो सर्किल जो है इन दोनों को काटते हुए जाएगी, है ना, यस तो जो सर्किल बनेगी वो ऐसे बनेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे बनेगी, ठीक है, अब यस तो ये बना लेने पहले सर्किल अच्छी नहीं बनती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे पहले सर्किल बना लेते हैं और फिर उसमें रॉड को यस कनेक्ट
फिट कर देते हैं, ठीक है? ले यस, लिया, ये सर्किल बना दिया हमने, ठीक है? इसको यहाँ बढ़ा दिया। अब यहाँ पे अगर, अब चूंकि हमें ओरिजिन फिट नहीं करना था तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। सर्कल जो बनाएंगे वो ओरिजिन से पास नहीं करवाना। हाँ, ओरिजिन से कोई दिया ही नहीं ना पास करने के लिए कुछ। यस, यहाँ देखो हमने यहाँ बना लिया है इसको, ये बना लिया है ना। यस, अभी एक्सिस तो बनेगी नहीं ऐसी है, लेकिन आप ढंग से बनाओगे सर्किल तो आपको मिलेगी ये। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ही स्पेस आपको बचता हुआ दिखेगा, ये है ना। यस, ये कट गया, ये कट गया आपका, ठीक है? ये बी लेंथ हो गया, ये ए लेंथ हो गया। यहाँ पे आपको भी इसका सेंटर है तो आपको इसको बना सकते थे ऐसे, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन डायग्राम बनाते ही बन गया। yes. एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ए वेरिएबल सर्किल passes through the point A comma B and touches the x-axis so that the locus of the other end of the diameter through A is x minus A square equal to 4by. इजी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ए कामा बी से कोई सर्किल पास कर रहा है, तो लेट्स दिस इज सर्किल, दिस पॉइंट लेट्स दिस इज ए कामा बी, अदर एंड इसका एच कामा के हो गया, का सेंटर सी हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स मेक द एक्सिस एंड टचेस द एक्स, एक्स कम वाई, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? नाउ देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। ए कामा बी दिया तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस a बाय 2 और b प्लस k प्लस b बाय 2 हो जाएगा। और रेडियस कितना हो जाएगा इसका? अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? देखो ध्यान दो यहाँ पे, इट टचेस एक्सिस, इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका रेडियस हो जाएगा।
y coordinate is for radius. So radius will be y coordinate of the center. y coordinate क्यों? अच्छा सर, क्योंकि वो y एक्सिस के पैरेलल है. हाँ. ठीक है. तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर हो गया k plus b by 2. तो ये हो जाएगा k plus b by 2. और ये यहां से कितना निकलेगा इसका रेडियस? आपको सेंटर दिया हुआ, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है. और ये आपका पूरा पूरा डायमीटर हो जाएगा ना, ए कमा बी, है ना. तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट को डिवाइड निकाल के 2 से डिवाइड कर दो. जो सर दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रेडियस आ जाएगा. वो रेडियस हो जाएगा. तो ये आपका बन जाएगा h minus a square अंडर रूट टोटल डिवाइड बाई 2. दोनों साइड का स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लो. सर आपकी इक्वेशन आ रही है x square minus 3y square minus 2x minus 6by plus a square minus 3b square equal to 0. ओके, तो इसको सॉल्व करने पे जो बन रहा है फाइनली वो बन रहा है h minus a square, इसको स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस के माइनस बी स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने, इक्वल टू के प्लस बी स्क्वायर. ये बना ना, इसको सॉल्व करो तो के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2k भी, यहाँ माइनस 2k भी है. तो ये आपको देगा खाली एच माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4kb. k प्लस बी तो अपने आप में 2 से डिवाइड क्या बेटा, ये 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, काट दिया इसको. मैंने 4 कैंसिल नहीं किया ऊपर से. इसमें h को k को रिप्लेस कर दो तो आपका इक्वेशन बन जाएगा x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 4 y b. ए रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है.
समझ में आ गई? तो आपको डायग्राम बनाना है, देखना है, और देखना है कंडीशन क्या फिट करें हम कि उसमें जो आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो आ जाएं, ठीक है? जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट उसमें आ जाए, बस इतना सा करना है लोकस पाने के लिए आपको। फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर व्हिच subtend a right angle at the point c comma 0 डायग्राम बनाओ सबसे पहले। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल, सर्किल का तो सेंटर 0 0 दिया है, रेडियस ए दी हुई है, और कोई भी कॉर्ड उसका ले लिया हमने, ठीक है सर। अगर हम ऐसे इधर से कॉर्ड डाले तो वो सी कॉमा जीरो पे आगे रेडियस पे डालते हैं, ठीक है? हमने कोई कॉर्ड ले लिया, ठीक है? यस सर। तो कोई भी कॉर्ड ले लिया हमने, मान लेते हैं दिस इज कॉर्ड सी बी। क्या है कॉर्ड? ये सी बी कॉर्ड सी बी है, ठीक है? वही सबटेंड ए राइट एंगल एट द पॉइंट सी कामा जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पे ही जो है वो पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से लें जिससे मुझे देखने में समझने में और अच्छा लगे। सी कामा बी, दिस इज एक्स एक्सिस, This is O, और ये किसी एक पॉइंट पे बना रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ P, ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं P है, इसका लोकस बनाना है, और ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री। सर जो C पॉइंट है वो उसके अंदर ही बनाएंगे, बाहर नहीं बनाएंगे? अंदर मतलब जैसे सर्कल के अंदर ही बना, से बाहर भी तो हो सकता है, क्योंकि सर जो रेडियस है सर्कल का वो ए है, पर सर जो सी पॉइंट है वो तो इन्होंने कहीं नहीं दिया कि जैसे सी इज लेस देन या ग्रेटर देन, बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर व्हिच सबटेंड ए राइट एंगल एट द पॉइंट सी कॉमा 0, ठीक है? कोई बात नहीं, आप बाहर ही बना सकते हो। मतलब ये इन्होंने दिया नहीं तो देते तो उसी हिसाब से फिर करते, देना चाहिए, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, बाहर ही बना सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? यस सर। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आने वाला है, ठीक है? यस सर। देखते हैं अब क्या है। तो क्या है, ओपी को मिला लेते हैं एक बार, जरा ओपी मिला लिए। दिस इज ए, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते तो हमें अच्छा दिखते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है?
ये एपी है, ओ है, ये एपी है, ठीक है। यस ए का कोऑर्डिनेट है सी कामा जीरो है। अब पी का कोऑर्डिनेट एच कामा के ले लें, तो हमें देखो करना क्या है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें एच कामा के जो है वो हमारा इन्वॉल्व हो जाए इसमें, ठीक है। यस ठीक है, तो बनाते हैं। देखो इस डायग्राम में देखो क्या हमें क्लियरली दिख रहा है, हमें एपी चाहिए, मान लेते हैं क्या चाहिए, एपी चाहिए। तो एपी एपी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, एपी पीसी पीबी। ओके, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाओ, नहीं दिख नहीं रहा है। अब देखो ये डायग्राम आपको बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ पे ना, हमें एपी यस निकालना है बेटा, और हमें पता है कि पीसी इक्वल टू सीबी है, क्या है, पीसी इक्वल टू ऐसा है। पीसी देखो इक्वल टू सीबी कि पीसी इक्वल टू सीबी हो, मिड ऐसा पॉइंट है जरूरी वो हमें दिया हुआ है, ये क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। पी यस सी इक्वल टू सी बी हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब इस यस ट्रायंगल में देखें और देखें क्या ए पी इनके इक्वल हो सकता है, पी सी इक्वल टू सी बी के। हाँ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो इसको, टू ये टाइम्स राइट भी एंगल होना है। हाँ चाहिए सीबी के देखो ये राइट एंगल है यहाँ पे, हेलो, यस हाँ ये देखो ये क्या है, ये राइट एंगल है, यस ना। तो सर ये इक्वल टू पी सी इक्वल टू सी बी, ये पहली कंडीशन मिल गई हमको यहाँ से, जिसमें पी एपी इन्वॉल्व हो रहा है। एपी इक्वल टू पीसी इक्वल टू सी सर ये नहीं समझ आ रहा है ओके, अलग से बना लो ट्रायंगल, बना लिया। डायग्राम यस अच्छा बनना बहुत जरूरी है समझने के लिए। ये बना लिया हमने, ये इसका मिड पॉइंट है, यस ये पी परपेंडिकुलर यहाँ पे था 90 डिग्री पहले, ये सी है, ये बी है। ओके, दिस इक्वल टू दिस है, और ये यस इसके मिड पॉइंट से मिलाया गया है, तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये कॉमन हो गया दोनों में, इसका मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड भी हो जाएगी इनकी, हो जाएगी। यस सर क्या एसी इक्वल टू फिर तो सी भी होना चाहिए डायग्राम होना चाहिए, के हिसाब से तो फिर एसी इक्वल टू ए भी आना चाहिए एपी इक्वल टू ए बी आना चाहिए। सर जैसे यहाँ पे पी तो इनका मिड पॉइंट से जो मतलब जो हमने गलत सर डायग्राम में पॉइंट हमने गलत लिखे हुए हैं, यस जैसे मतलब पी यहाँ होना चाहिए ए यहाँ आना चाहिए ये है। तो सर अगर जैसे ये तो ए बी इक्वल टू ए सी नहीं होना चाहिए ए बी इक्वल टू एसी ए सी, और सर जो हमारा सीपी और बीपी है वो इक्वल है
बिल्कुल ए बी इक्वल टू ए सी होगा ही। सर ऊपर तो हमने एपी इक्वल टू पीसी लिखा है, तो सर वो कैसे हुआ? देखो ये मिड पॉइंट थी, ये किसी एक पॉइंट पे ये सर्किल से पास होने वाली पॉइंट है, ये सेंटर है, आगे चल के क्या है, सेंटर है ये, सेंटर है यस सर। ठीक है। तो ये किसी पॉइंट से इनके जो मिड पॉइंट वाला जो कॉर्ड होती है, इनके डिस्टेंस सेम हो जाती है। तो ये सेम है, ये सेम है, ये कॉमन हो गया आपके पास में, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए ना सारे। सिमिलर ठीक है। ट्रायंगल में तो साइड्स का रेशियो होता है। ये क्या था, राइट एंगल था, यस ठीक है। ये क्लियरली हमको पता है कि इसको डिवाइड करेगा 45 डिग्री बन जाएगा आगे चल करके, ये यस सर इस ट्राइंगल में। और 45 की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है। यस सर इस ट्राइंगल में देखें तो 10 45 मतलब क्या हो गया, सी पी अपन ए पी इक्वल टू 10 45 इक्वल टू 1 हो जाएगा, सी यस पी इक्वल सर टू ए पी हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले में करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है। यस सर एपी इक्वल टू सीपी इक्वल टू पी हाँ बी ठीक है। यस अच्छा अब ये बन गया, तो देखो हमें क्या पता, ए का कोऑर्डिनेट पता है और पी का कोऑर्डिनेट पता है ना। सर ये सीबी के तो इक्वल नहीं होगा ना सर, ये तो पीबी के इक्वल होगा। पी बी एपी है, हाँ ए पी बी है, पी बी यस सर ये हो जाएगा अंडर रूट एच माइनस सी का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। एपी की वैल्यू होगी एपी ठीक है। एच माइनस सी का स्क्वायर क्यों हाँ बताओ क्यों आएगा वो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ। देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, सी 0 है, इसका एच कामा के है, तो ए पी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, वही तो लिखा मैंने ये, यस सर ठीक है। यस सर देखो एंड आप देखो ध्यान से, तो आप OC क्या था, रेडियस है, क्या है, रेडियस है, CP इसका मिड पॉइंट है। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ये 0,0 है O का कोऑर्डिनेट, O का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है। तो इसी की वैल्यू हम यहां से भी निकाल सकते हैं, PC निकाल सकते हैं। तो PC इक्वल टू हो जाएगा OC का स्क्वायर मीन्स A का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया बेटा, ओपी की लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि 0,0 कोऑर्डिनेट है ये, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 मिल गया हमारा काम। देखो नोन हमें सिर्फ ए है, क्या है, नोन हमें ए है एंड सी है, और अननोन हमारे पास क्या है, एच एंड के। तो हमें एच और के की वैल्यू ए एंड सी के टर्म में लिखनी है, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करके स्क्वायर कर दो, तो एच माइनस सी का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आओ,
यहाँ पे भी एच स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी एच स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको सिंपली मैं लिख सकते हैं टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका एच स्क्वायर इसका के स्क्वायर ये जोड़ लिया हमने साथ में करके, ठीक है। माइनस यहाँ पे टू एच सी मिल जाएगा, टू एच सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। रिप्लेस कर दो एक्स वाई से, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज दी रिक्वायर्ड लेटर। ठीक है, मतलब सर हम जैसे एक ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे अप्रोच करें क्वेश्चन, जैसे हर क्वेश्चन में लोकस के अलग ही कुछ हो रहा होता है। हाँ बिल्कुल, देखो आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेगा कि इस लोकस के कोऑर्डिनेट को हम किस तरीके से नॉन कंपोनेंट में एडजस्ट करें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे देखने से क्या मिला हमको, ये मिला कि अगर ये चीज पता है हमको और ये चीज पता थी, ये ए पता थी और ये वैल्यू पता थी, अब इनके टर्म में इस चीज को एडजस्ट करना है। तो इसको देख करके हमको यही चीज समझ में आ रहा था देख करके कि इन दोनों में जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ पीसी कॉमन है। क्या है? सिर्फ पीसी कॉमन है। पीसी आपका यहाँ भी है, ठीक है, और पीसी आपका यहाँ भी है, है ना। तो इसी को बेस बना करके इसको हम सॉल्व कर सकते थे, वही हमें, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, इसके बाद में मेरे ख्याल से इलिप्स होगा, सर्किल के बाद में इलिप्स या पैराबोला जो भी कंटिन्यूएशन में है वो हम स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। और ये हमारा हो गया है सर्किल, तो सर्किल के क्वेश्चन में आज तुम्हें भेज दूंगा वो, तो उसमें जो सर्किल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है वो आप इजिली जो है बना सकती हैं। तो आप बनाना, बाकी जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको वीकेंड में लास्ट में जो है एक बार में बैठ करके हम सॉल्व कर लेंगे किसी दिन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज संडे को टेस्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर देना है, जो भी देना है वो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू बेटा।